क्या नाम बताया? आईटीसी सर। अच्छा, आईटीसी वाला। आईटीसी जी जी भी चला जाएगा, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रुक के जाएगा ये, देखिए। ठीक हाँ, इसको जो है है। सर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सर ले लिया सर इसको। हाँ, ठीक है। असल में ये आप इस आईटीसी को देखते हैं ना, तो आईटीसी ने एक छोटा सा वर्क किया हुआ है, और इसका वर्क क्या है कि अभी और थोड़ा सा नीचे आएगा ये, अच्छा और थोड़ा सा नीचे आएगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लास्ट टाइम का इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या किया है। देखिए, ये जोन है इसका एक नीचे, जी जी अगर हम चेक करते हैं तो असल में जहां लिया हुआ वहां भी कोई इशू नहीं है, 170। ये कोई जोन है इसका यहां पर, ओके और एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, उसी सपोर्ट को लेके वापस जा रहा है। ओके तो जब तक ये सपोर्ट ना तोड़े तब तक हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक सर, है। एसबीआई देखिए, एसबीआई फ्यूचर। एसबीआईएन? हाँ सर, फ्यूचर में। मैं पहले इसे देख लूँ तो फ्यूचर देखता हूँ। ठीक है, एसबीआईएन भी सही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन एसबीआईएन अभी फंसा हुआ है एक जगह पे, इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना आप। ठीक है, कैसे फंसा हुआ है ये देखो, ये देख रहे हो, इसके बीच में फंसा हुआ है ये। ठीक है, टेरेशन अगर बाय ये सर कैसे बनती है? बाय, अभी बाय इसके ऊपर ही बनती है। ठीक है, बाय समझिए 292 के आसपास बनती है, 292 से ऊपर। अभी यहां पर बाय मत करना इसे, ठीक है सर। यहां बाय करोगे तो अभी करा तो नहीं बाय? नहीं सर, किया नहीं अभी। नहीं, अभी 292 के ऊपर ही बनता है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं इसके ऊपर, 292.5 या ऐसा कुछ ऑर्डर है ना, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर इसको यहां से रेजिस्टेंस मिल गया तो ये तोड़ के नीचे आ जाए, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है इसमें अभी थोड़ा सा, है ना। और किसी का कोई स्टॉक फंसा हो तो बता दे प्लीज मेरे को। यस, किसी का कोई स्टॉक फंसा हुआ तो नहीं है, तो फिर हम आगे चले। हाँ जी सर। सर आज एक्सिस बैंक एकदम वनडे की सपोर्ट पे है। वनडे के, अरे कर्नल साहब भी आ रखे हैं, क्या बात है कर्नल साहब, क्या हाल चाल है अभी? देखते बढ़िया है सर, बढ़िया सर। हैं, देखते हैं, देखते हैं आपका कौन सा, एक्सिस बैंक? जी सर। नहीं, असल में सपोर्ट पे नहीं है ये, तो नीचे बैठा हुआ है अभी ये। सर अगर इसका सपोर्ट ले गया तो फिर तो जाएगा ना सर। अगर सपोर्ट ले गया, अगर सपोर्ट ले गया इसे, ये सपोर्ट पे ही है बस, अभी सपोर्ट ले जाएगा तो आपको दे जाएगा ये, लेकिन जब तक सपोर्ट लेना तब तक के लिए थोड़ा मुश्किल है इसका। क्योंकि सर चीकू स्पैन भी आप बोल रहे हैं सर इसको। नहीं सही है, असल में पता है एक जोन में बैठा हुआ है, आप इसको जोन चेक करेंगे, एक मिनट के लिए पिवोट हटा दीजिए, पिवोट हटा दीजिए, और आप जरा देखिए। सर सुनाई नहीं दे रहा सर, सुनाई नहीं दे रहा सर। आई थिंक संजीव जुलोटा का, संजीव जुलोटा का वो माइक ऑन है। हाँ जी, हाँ माइक बस बंद कर लें। ठीक है, अभी देखिए ऐसे जोन पे बैठा है ये एक्सिस बैंक, जहां से पिछली बार भी गिरा है, उसके बाद भी गिरा है, और उसके बाद भी वहीं पर ही है, राइट? राइट सर। तो कम कम से कम इसे ये वाला सपोर्ट बनाना चाहिए रूल के मुताबिक। अगर मैं इसे देखता हूं तो इसको ये सपोर्ट बना देना चाहिए अपना, और अगर ये सपोर्ट बनाएगा तब हमारा कोई बाय जनरेट होगा, उससे पहले हमारा कोई बाय जनरेट हो नहीं सकता। ठीक है, और इसको मैं राइट सर सही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ रहते रहते कम से कम स्टॉक तो एनालाइज करने आपको आ गए, राइट? ये जगह मेरी बनती है और मैं इसको लेके अब घंटे भर में जा रहा हूं, तो देखता हूं ये कर क्या रहा है। ये देखिए यहां पर है, इसका मतलब जब तक कि ये अपने इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, अब जब तक इस जोन से बाहर नहीं निकलेगा और इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका बाय नहीं आ सकता, राइट? यहीं पर बाय बनेगा, तो मेरे को इसका बाय अभी अवॉइड कर देना चाहिए थोड़ा सा, जब तक कि ऊपर ना चले जाए। सर ये अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा ना सर? हाँ, अंडर ऑब्जर्वेशन इसे रख ले, जैसे ये ऊपर जाए, ऊपर जाने की कोशिश करे तब आप अपना बाय इनिशिएट कर ले। और अगर मैं एक दिन का पीवोट देख रहा हूं तो पीवोट भी मेरे को लगभग ये शायद यही बोलेगा। ये देखिए दिन के पीवोट पे मैं मार्किंग, वही बोल रहा है। आप
जिनके पीवोट में मार्किंग कर देता हूं एक, ये मेरा दिन का पीवोट है। अब इसे 10-15 मिनट चले आइए और अब चेक कीजिए, ये देखिए। वैसे भी अगर इसका डे हाई और डे लो भी मार्क करते हैं आप, पिछले दिन का हाई और लो अगर मार्क कर भी लू मैं, तो देखिए मेरे को क्या मिल रहा है, ये रहा इसका डे हाई डे लो, यही लगा लीजिए इसको, ये इसका डे हाई और ये इसका डे लो। सर पिवट्स और ये जो हम जोन्स बनाते हैं ना सर, ये ऑलमोस्ट तकरीबन आसपास ही आ जाते हैं, आसपास ही आते हैं। देखिए अब मैं इसको 10 मिनट में लेके जा रहा हूँ, 10 मिनट में आप चेक कर सकते हैं कि इसने अभी अपना सपोर्ट नहीं पकड़ा है। सपोर्ट कौन सा वाला पकड़ा है, ये वाला नीचे। लेकिन चूंकि आपको पता है डे हाई और डे लो, हमने कौन सी पोजिशन निकाली थी, ये आपका ऊपर बाय की पोजिशन बनेगी, ये नीचे सेल की पोजिशन बनेगी, ये यहां से सेल की पोजिशन बनेगी और यहां से बाय की पोजिशन बनेगी, राइट। तो इस समय कौन सी पोजिशन पे बैठा है, अपनी सेल की। जब तक ये इससे ऊपर ना निकल जाए तो हमारा तब तक ये सेल की पोजिशन ही रहेगी, इसलिए हम बाय पोजिशन में अभी नहीं जा सकते। अब अगर इसमें इसके बायर सेलर देखता हूं तो देखिए 5, ठीक है बायर सेलर भी ओके है। अब यहां से अगर रिजेक्शन लेगा तो ये अपना सेलिंग इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। यहां से देखिए अगर आप 25 क्वांटिटी यहां से शॉर्ट कर देंगे, लॉन्ग टर्म तो नहीं, यहां से शॉर्ट कर देते, देखिए यहां से शॉर्ट करके छोड़ देते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है ये, देखता हूं आ भी गया कि नहीं आ गया, आता बाद में आइए मेरे इसमें। अब इसका टारगेट अगर ये ऊपर गया तो मेरे को स्टॉप लॉस क्या हो जाना चाहिए और नीचे आएगा तो इसका टारगेट क्या हो जाना चाहिए, ये दोनों चीजें मेरे को इसमें डिसाइड करनी पड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं अगर ये यहां से मैंने रफ लेके देखा है, ठीक है, और मैंने केवल इसके डे आई डे लो के बेस पे इसको लगाया है और मैं देखता हूं कि अब अगर मेरा यहां से बाय सेल होगा तो कहां से होगा, देखिए 6.75, 76 और ये आ गया 78, तो मेरे को अराउंड इसके ऊपर मेरे को स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये हाई के ऊपर लगा लेते हैं 78.5, मतलब मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, 78.5 पर, राइट। 78 लगा लो सर, 78 ही ठीक है, 78 ही, टेंशन नहीं पालते ना, 78.5, ठीक है। अब इसका टारगेट क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, अब इसका टारगेट क्या होगा, कम से कम ये वाला लो ले लूं मैं 73.7, तो मैं इसको यहां पर ले लेता हूं लिमिट और 73.7 ले लेते हैं इसको, देखते हैं कहां तक जाता है ये, और यहां पर इसको छोड़ देते हैं। अब मैंने किस बेस पर इसको लिया है, बेस क्या है मेरा, मैंने भी कोई इंडिकेटर इस पे नहीं लगाया है, और मेरा बेस क्या है इसको लेने का, कि देखिए ये आपका पहले ऊपर खुला, ऊपर खुल के नीचे आया, तो अगर ये यहां से रेजिस्टेंस लेगा तो एक डाउन दे देगा यहां तक, और इसका कम से कम डाउन यहां तक है, उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट ये वाला लेंगे बस, जहां तक का डाउन हम ले लेंगे बस, केवल छोटा सा हमने एक डाउन लिया है और हम इसको देखेंगे भी कहां तक जाएगा, ये जाने का भी अपने स्टॉक को अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरे को फायदा दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, देखिए चल रहा है, चलने दीजिए, मेरा टारगेट है ये नीचे वाला, मतलब मेरा टारगेट कितना है, 25 रुपए का अंदाज में मेरा टारगेट रहेगा, 25-30 रुपए के आसपास का टारगेट इसमें रह सकता है मेरा, बस इतना। अगर आप चाहो तो इसका फिबोनैकी लगा लो, चाहो तो आर्क लगा लो, चाहे तो फैन लगा लो, कुछ भी आप यहां पर लगा के देख सकते हो। अगर सपोज मैं इसको हटा लेता हूं 2 मिनट के लिए, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटाता हूं, और अब मैं यहां पर 1 घंटे में, गुड मॉर्निंग वरीश जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी के सर, वेरी वेल सर, हाउ आर यू, बस फाइन फाइन। आप देखते हैं चलिए इसको कि अगर मैंने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है, ये अभी देखिए जगह पर है अभी, मतलब हम इसको शॉर्ट करके बैठे हैं, सब ओके है, हमारा टारगेट भी नीचे का है, देखिए 73.7 ये आपका अंदाजन टारगेट हमारा रहेगा, अगर ये नीचे यहां तक आता है तो ये हमारा, अगर इससे नीचे आया तो हमें ये भी पता है इसमें कि ये आपका एक गैप छोड़ के गया हुआ है, तो अगर इससे नीचे टूटा तो अपना गैप फिल करने के लिए आ जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब हमने इसे किस बेस पर शॉर्ट किया ये आप चेक कर सकते हैं, मेरा बेस क्या था शॉर्ट करने का, कि स्टॉक ऊपर से नीचे आया, यहां से इसको ऊपर चले जाना चाहिए मगर अभी गया नहीं है, तो ये मेरा सेल का जोन बनता है। तो यहां से आप अपनी सेलिंग डाल सकते हैं, और सेलिंग कितनी होगी
दो तरीके हैं सेलिंग के, या तो आप यहां से यहां तक फिबोनाची लगा लीजिए और इसका 50% लगा लीजिए, या तो ऐसे बोलिए आप, ठीक है, या फिर आप इसका कोई भी नीचे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप ढूंढ लीजिए, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस तक आप लेके इसे चले जाए नीचे, ठीक है, वहां तक आप इसको लेके जा सकते हैं, नीचे कहीं पर भी कोई भी जगह हो वहां तक आप इसे लेके चले जाए। अभी हमारा देखिए इसने बाइंग जोन नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया बाइंग जोन, ये आपको अच्छी तरह पता है। अभी ये मूव करता रहेगा, अगर इससे ऊपर निकल गया तो मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा। पूरे दिन का आप इसे छोड़े अगर काम करना है तो, ऐसा मैं तो क्लास में करता हूं कि मैं तो थोड़ी देर के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टॉक लेने होते हैं, दिखाने होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं जाता। लेकिन आप क्या करें, इसको एक हाई के ऊपर लगा के और फिर छोड़ दें, जाने दें इसको, काफी लंबा नीचे इसकी पोटेंशियल है जाने का, तो कहीं से भी अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप उसके हिसाब से इसको जा सकते हैं। यहां पर बायर सेलर इस जगह पर आप चेक कर लें, 591 और 5, सेलर भी सही है, कोई इशू नहीं है, अच्छे सेलर है। तो सेलर बढ़ गए सर, अभी सेलर बढ़ गए, मैंने चलो इसे ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, मतलब ये हमारा कोई एक टारगेट है हमारा 73.7 का, जब अचीव होगा तब देख लेंगे इसको। अच्छा, और बताएं, बस पता स्टॉक है, चलने देते हैं इसको। सर गेल भी सेम सिचुएशन, गेल भी इसी सिचुएशन पे है सर। देखिए 74.15 हमारा 73.7 पे इसका टारगेट है, ये वाला। हमने रीजन क्या था इसको लेने का, केवल और केवल ये रीजन था कि हमारा पास ये जो जगह है यहां पर नीचे आपके पास आ सकता है। 483 देखिए, इसके बायर कम हो गए हैं, सेलर अभी बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे करके, जाने दीजिए इसको और नीचे, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से आप अपना सेल ले सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं से भी। ये देखिए 15 रुपए दे ही रहा है हमें, ये देखिए 16 रुपए चल ही रहे हैं। अभी दूसरे स्टॉक में चलते हैं, इसको हटा देते हैं, अपना चलते रहिए दूसरे स्टॉक में, अब चलते हैं हम लोग। सर गेल देखना, सर गेल पे चलते हैं। अब देखिए ऑर्डर हमेशा चेक कर लीजिए, कोई ऑर्डर लगे हुए तो नहीं है आपके। अब मैं इसको हटा देते हैं और चलते हैं अब की बात गेल पर। दूसरा गेल क्या कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं, कोल इंडिया अभी ऊपर जाएगा या अभी नीचे आएगा सर, ये भी चेक कर लीजिएगा थोड़ा। कोल इंडिया भी चेक कर लेता हूं। अब देखिए किसी भी स्टॉक को हमेशा कम से कम आप एक दिन पे पहले एक बार चेक कर लीजिए, कम से कम, ठीक है। अब देखिए ये आपका गेल क्या कर रहा है, अगर आप देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस के पास है, राइट, ये रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब अगर इससे नीचे निकल गया तो मेरा एक शॉर्ट आ जाएगा, राइट रॉन्ग, जब इससे नीचे आएगा तो मेरे को एक शॉर्ट दे देगा ये। आप चाहो तो यहां पर अपना सेल ऑर्डर लगा के रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को लगाना चाहिए तो लगा सकते हो। ये 133.20 है, इससे थोड़ा सा नीचे अराउंड 133 पे अपना सेलिंग ऑर्डर लगा के चाहिए तो छोड़ दो, अगर आपको लगता है तो। ये देखिए 133 के आसपास अपनी कोई क्वांटिटी आप छोड़ सकते हैं, और ये स्टॉप लॉस में रहेगा। ये ऐसे आप यहां पर से लगा के चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये देखिए लग चुका, अब इसको ऑर्डर में चेक कर लीजिए, लगा के नहीं लगा ये रहा। और ये भी चेक कर लीजिए कि आपकी पोजीशन सही थी कि नहीं थी। 133.21 मैंने 133 पे लगा के छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड। स्टॉप लॉस भी क्यों डाला सर 133? ये अभी हमारा ये आया नहीं ना, एक मिनट मैं बता देता हूं। अभी देखिए अगर मैं इसको नॉर्मल में लूंगा तो यहीं पर ले लेगा मेरे को, ओके मतलब अगर अभी मैंने इसे लिमिट में डाल दिया ना, यहां पर लिमिट में, तो अभी ये यहीं पर इसे ही ले लेगा, मेरा ऑर्डर ले लेगा, ओके तो इसलिए मेरे को इसे स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। आप इसकी सेलिंग कहां से कर सकते हो, लिमिट का मतलब क्या होता है, जो आपकी रेंज में हो, रेंज, ओके तो मेरी रेंज कहां बनी, इस समय यहां पर चल रही है, इसके ऊपर की शॉर्ट की मेरी सारी रेंज है, इसको बोलते हैं लिमिट, ओके तो मतलब अगर मेरे को लिमिट ऑर्डर डालना है तो इसके अंडर में होना चाहिए, ऊपर से गिर रहा है ना स्टॉक। हाँ सर, इस समय यहां पर है तो ये मेरी लिमिट हुई। देन ऐसे ही अगर मैं बाय कर रहा हूं तो बाय मेरा नीचे से ऊपर की तरफ को चलता है, तो नीचे मेरी सारी रेंज हुई लिमिट की, इसके ऊपर मेरी कोई रेंज नहीं है अभी, क्योंकि मार्केट गया ही नहीं है, ओके तो यहां पर मेरे को ऐसा लगाना पड़ता है,
ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं नीचे लगा रहा हूं तो रेंज तो मेरी ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहां पर मेरे को एसएल लगाना पड़ेगा, मेरा एसएल वर्क करेगा यहां पर, मेरा ये लिमिट ऑर्डर काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके सर, जब लिमिट का लगाते हो इफ यू वांट टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस तो स्टॉप लॉस भी वही लगाना पड़ता है। हाँ नहीं, अगर स्टॉप लॉस अगर आप वहीं से ले रहे हो तो मार्केट पे लो। नहीं सर, जैसे आप किसी ने अभी नीचे का लेना था या ऊपर का लेना हो इससे तो आपको उस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, नहीं तो उसी रेट पे ले लेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो आप यहां से करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस अगर करूंगा तो यहीं पकड़ लेगा, तो स्टॉप लॉस मेरे को ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके बाय। नमस्कार सर जी। नमस्कार, क्या चल रहा है वो जी? बढ़िया सर, हमारा जो बैटरी हमने लिया था 770 पे, अपना 970 पे, अभी 1000 हो गया। ओ बाय गॉड, मुझे पार्टी आज तो अमोजी से, कर्नल साहब अमोजी से पार्टी लेनी है। हाँ ये तभी लेट आए सर, लेकिन टॉफियां मिलेंगी कर्नल जी, क्योंकि दो ही शेयर लिए थे मैंने। ये तो आपकी गलती है ना। देखो प्रॉफिट, नहीं नहीं एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था। नहीं नहीं प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है ना, क्यों कर रहा था। और दूसरा सर, कल 700 रुपए बने कमिंस इंडिया जो हमने पकड़ा था, बात हुआ था हमारा, वो भी अच्छा चला। देखो सर एक पूछना था। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोले। अब मैं ये बोल रहा था हमारा जी में 1004 पे डे का एक रेजिस्टेंस है, तो वो उस पर क्या करे, प्रॉफिट बुक कर लिए रुके फिर 1004 पे, अभी 1000 है। कर सकते हो, एक मिनट और अच्छी तरह से देख लू तब बोलता हूँ। हाँ ये देखिए आ रहा है ना आपका इतना बड़ा दिख रहा होगा, ये देखिए इतना बड़ा। हाँ तो वही डर है, इसके लिए निकल जाने का सोच रहा हूँ। ना ना, थोड़ा बहुत निकल ही जाना इससे ठीक है, क्योंकि ये पिछली बार सर पिवट, प्रीवियस डे का पिवट भी तो है, ये भी पिवट भी है, लेकिन ये यहाँ से गिर सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। ये दो तीन रेजिस्टेंस है उसके लिए, मतलब वही लेवल पे। हाँ यहीं पर निकल जाना सही है, कोई फायदा नहीं है इसमें। कोल इंडिया, कौन सा कोल इंडिया सॉरी जी, इसको अभी जो है मैंने एग्जिट किया प्रॉफिट बुकिंग करके, जो है इसका 400 का जो मैंने प्रॉफिट बुक करके। इसको तो रखे रहने में फायदा था वैसे। हाँ जी, इसको तो रखे रहने में फायदा है। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी परचेज कर लेता हूँ इसको डाउन में। नहीं नहीं, हाँ अभी मत करना, इसे डाउन में परचेज कर लेना आप, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी जस्ट एग्जिट किया है मैं, अभी इससे 138.90 पे एग्जिट किया हूँ। एक मिनट, आपने सीएनसी उठाई हुई थी? सीएनसी उठाई थी 138.90 पे, जो है मैंने एग्जिट किया है। अभी एक मिनट, एक काम कीजिए, एक मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ, एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करें कि आपने कितने पे करिए, 138.90, ठीक है जी। अब इसको एक काम करना, अब आप इसको एक काम करना कि अगर ये नीचे आएगा ना अभी जी, ठीक है, अगर ये नीचे आ जाए तो इसे स्क्वायर ऑफ करना आपने पोजीशन से। नहीं, मैंने जो अभी जो सेल ऑफ कर दिया है वो 138.90 पे 90 पे किया सर। अच्छा 90, मेरी नहीं नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? नहीं मैंने तो सर एग्जिट कर दिया ना इस पे। अरे मेरी बात तो सुनिए एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एग्जिट कर चुके, आपकी पोजीशन में आ चुका, राइट? राइट सर, पोजीशन में माइनस दिखा रहा है ना जी। अगर ये इससे ऊपर जाएगा आज जी, आज अगर इससे ऊपर जाएगा तो आज आप ले नहीं सकते उसको, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए, कल लीजिएगा, परसों लीजिएगा। लेकिन अगर ये अभी इससे नीचे आ जाएगा ना जी, नीचे जितना भी आएगा ये, चाहे 138 आ जाए, आप वहां से पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देना 3:15 बजे, ठीक है सर, मेरी बात समझ गए। अगर ये आपका 138.9 चल रहा है, अगर ये आपका 138 आ जाए, 137 आ जाए कहीं सर, इससे क्या होगा सर, जरा प्लीज बताइएगा सर। एक मिनट पहले मैं क्लियर कर दूं फिर बताता हूं आपको, ठीक है। ओके सर, ये आपके पास क्या होगा, 138.9 पे आपका इस समय स्क्वायर ऑफ हो चुका है और इस समय पोजीशन में माइनस में है आपका जी, राइट। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, छोड़ देना, ओके। लेकिन अगर ये नीचे आ जाए, 90.90 नीचे आ जाए, 1.2 पॉइंट कितना भी नीचे आ जाए, आप इसे पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देना। ये किस पोजीशन पे जाएगा वापस, जहां पर आपने लिया हुआ था, ठीक है सर। कितने पे लिया था आपने ये? लिया था सर 136 के आसपास लिया था सर। तो इसका मतलब ये 136 पर जाएगा, राइट? 134.50 पे लिया था सर इसको।
134.50 ना, तो 134.50 पे चला जाएगा ये वापस। लेकिन आपको ये जो मिलेगा ना यहाँ से नीचे डाउन पूरा, ये इंट्राडे कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, मतलब 138.9 से सपोज 137.9 गया तो 2 पॉइंट चला गया ना ये नीचे जी, तो ये 2 पॉइंट आपका इंट्राडे कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, और आपकी सीएनसी वापस चली जाएगी। ठीक है सर, ये इंट्राडे में प्रॉफिट, सीएनसी से इंट्राडे प्रॉफिट करने का तरीका है। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर प्लीज। एक मिनट इसको समझ लो आप, ये थोड़ा सा झोल है ब्रोकर के साथ में झोल है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अब चूंकि ये छोटा सा झोल है तो इसे मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाऊंगा फिर वीडियो को। ठीक है, क्योंकि झोल के साथ में पंगे हैं। आपने एक स्टॉक लिया 100 रुपए पे, ध्यान से चेक करिए, आपने स्टॉक लिया 100 रुपए पे प्राइस, और मेरी क्वांटिटी है कितनी, आपने क्वांटिटी ली 100, राइट, क्वांटिटी हो गई मेरे पास 100 और मैंने प्राइस है सपोज 200 लगा लेते, चेंज हो जाएगा 200 पे लिया। अब क्या किया, आपने लेके बैठे हो, अब ये 200 से ऊपर चला गया, 210 चला गया। अब आप क्या करते हो, नॉर्मली इसको निकाल देते हो, ये आपका टारगेट था यहां पर, निकाल दिया राइट, निकाल के राइट साइड में क्या हुआ, पोजीशन में आ गया माइनस में, -200 राइट, यही होता है बताए। यस सर, क्यों ऐसा ही होता है ना भाई, आपने 200 पे खरीदा था, 100 क्वांटिटी थी, यहां से 210 पे गया, आपको प्लस 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है इस समय राइट। अब आपने बोला मैं पोजीशन अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, पर क्या हुआ, आपने देखा कि भैया ये तो वापस आ गया, मतलब 200 पे आपने माइनस, 210 पे माइनस कर दिया था 210 पे, अब ये पता लगा नीचे चलना शुरू हो गया और ये अंदाजन आ गया वापस 200 तक। अब बताइए इसमें भी आपको प्लस 1000 दिखा रहा है प्रॉफिट, और ये भी 1000 दिखा रहा है भाई, लॉजिकली तो आपने 1000 रुपए प्रॉफिट कर लिया ना अपना, है ना, और चूंकि 210 पे आपने स्क्वायर ऑफ किया तो वहां से अभी पोजीशन नीचे चल रही है, तो ये 200 पे आके 1000 रुपए का प्रॉफिट आपको दिखाएगा, जबकि ये आपका नहीं है, जबकि ये राइट साइड वाला प्रॉफिट आपका नहीं है राइट। इसको आप छोड़ देते हो, इसको आप छेड़ते भी नहीं हो, राइट सर, राइट कहते हैं ना। अब यहाँ पर एक झोल है छोटा सा, आप उस झोल को अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हो। अब क्या हो, इनका एक रूल है कि अगर सीएनसी को अगर आप एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ कर देते हो तो ये एमआईएम बन जाता है राइट। सीएनसी को एक ही दिन में स्क्वायर ऑफ करते हो तो एमआईएम बनता है वो, मतलब अगर इसको मैंने यहां पर 200 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, यहां पर स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो ये मेरी सीएनसी कहां चली जाएगी, हटेगी ना मेरी इसको पोजीशन से जो माइनस है, हटेगी ना, वापिस ये सीएनसी चली जाएगी कितने पर, 200 पर। अब क्या हुआ, सीएनसी रह गई आपकी 200 पर वहीं की वहीं जहां थी, और ये जो प्रॉफिट 1000 का आपको बुक हो गया। आप बोलेंगे सर मेरा तो प्रॉफिट यहां भी बुक हो रहा था तो मेरे को इसका क्या नुकसान हुआ और इसका क्या फायदा हुआ, ये पोजीशन आपकी ऐसी की ऐसी रह गई ना, क्या बोलते हैं, सीएनसी ऐसी की ऐसी पड़ी हुई ना आपकी जैसी थी। बिल्कुल सही सर, और आपका ये आपने बुक कर दिया 1000 रुपए, तो ये आपका इंट्राडे कैलकुलेट हो गया 1000 का प्रॉफिट, और पोजीशन आपकी वहीं की वहीं 200 पे चली गई वापस, राइट और रॉन्ग। तो सीएनसी भी आज की खरीदी होनी चाहिए। और सुनिए अगर ये आपका 200 से चला जाता है 190, राइट रॉन्ग, अगर आपका ये 210 से चला गया 190 तो आपको 2000 का प्रॉफिट दे रहा है, राइट और रॉन्ग दे रहा है, बताएं हाँ या ना। यस सर, होगा ना, आप इसे फिर से स्क्वायर ऑफ कर दे यहाँ पर सपोज, तो कितने पॉइंट आपको यहाँ पर मिले, 2000 राइट, और ये सीएनसी आपकी भाग गई वापस 200 पर अपनी जगह पर ही, 2000 का आपने प्रॉफिट लिया, सीएनसी वापस अपनी 200 पे चली गई, ठीक है, बैठी भी यहीं पर ही, थोड़ा बहुत लॉस दिखा रही होगी हल्का फुल्का क्योंकि नीचे आया ये, पर ये आपका इंट्राडे का प्रॉफिट बुक हो जाएगा और ये यहीं की रह जाएगी। आई चीज समझ में आपकी,
सर टीएनसी उसी दिन का लेना चाहिए कि सर पहले का भी रहेगा तो हो जाएगा? पहले का पहले का उस दिन का तो एमआईएस कैलकुलेट हो जाएगा ना, वो एक दिन पहले की होनी चाहिए, एक दिन पहले की। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ मेरे अगर कोई सीएनसी पड़ी होगी तो कहाँ जा रही है, होल्डिंग पे। अब होल्डिंग में 40 रुपए दे रहा है मेरे को, आइडिया 60 रुपए दे रहे हैं, देखिए हाँ सर दे रहे हैं। अब अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, आइडिया को यहां से अगर मैं स्क्वायर ऑफ कर दूं, ठीक है सारे के सारे, वैसे अभी तो करना नहीं चाहिए मेरे को, पर मैं शाम को इसे ले सकता हूं। मैं एक मिनट आइडिया देख लेता हूं, आइडिया जा कहां रहा है तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बोलता हूं। ये छोटा सा झोल है तो आप चाहो तो इसको समझ सकते हो, अगर समझ आ गया तो। ये 3 और 5 है ये आइडिया जो है, देखिए मैं एग्जिट कर दूं, कर दिया मैंने 1020 एग्जिट कर दी मैंने, कितने पर करी है एग्जिट, मेरी होल्डिंग माइनस में आ गए। अभी मेरे को माइनस दिखा रहा नहीं है क्योंकि ऊपर जा रहा है, जा रहा है ना। अगर ये नीचे गिर जाए 12.15 से नीचे गिर जाए 11.15 तो मेरे को 1000 का फायदा दिखा रहा होगा। ओके मैं यहां से इसे एग्जिट कर देता हूं तब उस टाइम पर, तो ये जो प्रॉफिट है मेरा इंट्राडे कैलकुलेट हो जाएगा। क्या समझे? मतलब सेम डे में 3:30 से पहले अगर मैं सीएनसी वापस कर लेता हूं अपनी, तो उसी पोजिशन पे जाएगी जहां से मैंने बाय करी हुई थी। सर ये क्या मतलब, जब अगर हम एग्जिट यहां से करेंगे तभी होगा या अदरवाइज अगर हम बाय भी कर लेते हैं तब भी वो सीएनसी में जाएगा? नहीं नहीं, बात एक ही है लेकिन उसमें कभी कभी वो पंगा अच्छा। कर देता है जब आप बाय करते हैं, इसलिए यहां से एग्जिट करिए। ओके सर एग्जिट कैसे मतलब सर, थोड़ा सा जस्ट विदाउट सर देखिएगा सर, एग्जिट कर दें यहां पर, ये देखिए बाय। अच्छा यहां पे जाके फिर बाय कर लें, बस सिंपल। अरे चलने दीजिए इसको, सर रैलीज देखिएगा। नहीं सर एक दफा सर यहाँ पे जैसे आइडिया आपने 2-3 दिन पहले का लिया हुआ है, हाँ जी, तो तब भी ये लागू होगा? आप चाहे साल भर पहले का है, डेली का प्रॉफिट आप इससे कर सकते हैं। ओके अब देखिए ये तो नई चीज पता लगी सर। अरे मेरे साथ रहेंगे तो कर्नल साहब पता नहीं क्या क्या पता लगेगा। यू आर ग्रेट सर, ग्रेट सर ग्रेट, इस मार्केट के जब तक ग्रेट जाएंगे ना, इस मार्केट को जब तक खा नहीं जाएंगे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सही बता रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत शेयर हम लोग भी लेंगे सर उसमें से। अच्छा देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए आपको इससे नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। आपने सपोज 200 रुपए में लिया था आपने 210 पे निकाल दिया, आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट तो ले ही चुके हैं ना। अब अगर ये इससे ऊपर चला जाता है तो आप छोड़ दीजिए, मत करिए इसको आराम से, अब अपनी पोजीशन से पड़े रहने दीजिए। 1000 रुपए का प्रॉफिट तो आप ले ही चुके हैं ना। क्यों तो सर अगर हम इंट्राडे में फिर से चले जाते हैं सर, तो फिर तो वो तो 1000 मेरा जो प्रॉफिट था वो तो काट लेगा वो। कौन सा दोबारा से बोले सर? जैसे मैंने 210 रुपए में सर जो आप बोल रहे हैं मैंने सेल कर दिया, 1000 रुपए प्रॉफिट आ गया। एक मिनट में दोबारा से करता हूँ, 200 पे था और 210 पे आपने निकाल दिया। जी सर ये मेरा टारगेट था, निकल चुका। आप बताए सर, मेरा ये कहना है सर कि जैसे 210 पे मैंने जो है सेल किया, मान लिया 1000 रुपए प्रॉफिट आ गया, ठीक है, और फिर मैं उसको MIS में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा जो 1000 रुपए प्रॉफिट आया था वो तो फिर वो काट लेगा? बिल्कुल काट लेगा, लेकिन आपकी पोजिशन तो वही की वही है। पोजीशन तो वही की वही हुई ना, और ये आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट ले चुके हो। अच्छा अगर सर ये एक और बात सर, मान लीजिए 190 पर अगर आ गया तो प्रॉफिट मेरा अगर 2000 रुपए होता है सर, वो 2000 प्रॉफिट 200 पे। एक मिनट ये आपका देखो, अगर ये 190 पे आता है तो आपको 1000 रुपए का माइनस दिखा रहा होगा ना यहाँ पर उस टाइम पर, क्योंकि ये 200 से नीचे आया 190 पे, राइट, और ये तो वापस 200 पे ही जाएगी, राइट। लेकिन उस दिन के लिए तो आपका प्रॉफिट 2000 का बुक हो गया ना, क्यों इसे छोड़े रहिए, 2 दिन बाद आ जाएगा ऊपर। क्या बोलते हैं समझ में? नहीं अच्छा सर मेरे को अब ये समझ आया कि आपने यहाँ तो पहले बुक कर लिया, सपोज ये गिर गया तो इंस्टेड ऑफ 1000 आपका 2000 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप यहाँ बेच दीजिए तो 1000 और मिल गए आपको और आपकी पोजीशन रीइंस्टेट होगी। नहीं अगर ऐसा दो केस हो सकते हैं ना, या तो 210 से ऊपर जाएगा ये और या नीचे गिरेगा। अगर ऊपर गया तो आप छोड़ दीजिए, मत पोजीशन से हटाइए, हट गया आपकी खत्म बस।
तब तो आपको 1000 मिल ही रहे हैं ना। ना सर हाँ, और अगर गिर के इसको दोबारा से बाई कर लोगे इंट्राडे तो आपकी ओल्ड रेट के ऊपर आ गई, पर जो प्रॉफिट होगा डाउनफॉल का वो आपके पास आ गया, वो आपका सारा आ गया। तो इससे दोनों तरफ से आपका हाथ जो होते हैं वो डालडा घी में होते हैं। सर इसका मतलब क्या कि 3000 रुपए प्रॉफिट हो गया या 2000 ही होगा? नहीं नहीं ये नहीं होगा उस केस में। ओके ये हट जाएगा ना, ये तो 200 में वापस चली गई आपकी सीएनसी। हाँ ठीक है सर, अब समझ आया ना। सर 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 अगर मैंने सीएनसी में लिया है सर और उसको सर वो माइनस में जा रहा है तब तो मैं उसको उसी समय कन्वर्ट कर सकता हूँ सेल में, और क्या? तो सर सेल में भी कन्वर्ट करके जैसे बाई में कर सकता हूँ, तो सर सेल में भी कन्वर्ट करके उसको मैं इंटरटेन का मतलब। इस मार्केट में इतने सारे झोल है ना, इतने सारे झोल है कि आप उनसे पैसे लेते लेते थक जाओगे। नहीं करना सर ये झोल का। अच्छा देखिए, आपको मेरे पास रहते रहते 2 महीने हो गए। हाँ सर आप लोगों को 2 महीने हो गए, 2 महीने में ये बात कभी नहीं आई ना? नहीं कभी नहीं आई। चलो सर क्योंकि आपका एक लेवल भी तो होना चाहिए समझने का। मेरे ख्याल से अभी भी अगर मैंने आपको बताया तो आपका दिमाग एकदम से घूम गया होगा ये क्या हो रहा है। सर समझने को टाइम लगा, समझने में टाइम लगा ना। अगर मैं आपको पहले दिन ये समझाता तो कभी समझ ना आता। नहीं सर वो आता ही ना। आपके ग्रुप में भी आधे लोग ऐसे होंगे जो कि ये चीज वो कर रहे होंगे, मना कर रहे होंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा? नहीं सर ऐसे है कि अगेन हरेक का अपना अपना लेवल है, मतलब समझने को भी टाइम लगेगा इसको और फिर इसको करने के लिए भी टाइम लगेगा। ये इस समय देखिए ये ऊपर चला गया ना, ऊपर चला गया ना। हाँ सर चला गया। ये देखिए इस समय मेरे को माइनस दिखा रहा है ना मेरे को, इसका मतलब अगर ये माइनस दिखा रहा है तो मैंने तो 12.15 पे बेच दिया अपनी, 60 रुपए प्रॉफिट पे बेच दिया मैंने इसको, बेच दिया वो 60 रुपए तो मेरे अभी है ही ना प्रॉफिट। हाँ सर 60-70 जो भी था वो तो मेरा प्रॉफिट है ही ना अभी। मैं अगर ये ऊपर चला जाता है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ये 13 पहुंच जाए, मेरे को इसे स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत ही क्या है? छोड़ दो ऐसी बस, जाने दो, हट गई मेरी सीएनसी खत्म। अगर अगर ये 12 रुपए आ गया तो दोबारा ले सकते हो। और क्या, अब अगर यहाँ से गिर के 8 पे आ जाओ 1%। हाँ सर नीचे से गिर के 8 पे आ जाए तो 4 पॉइंट मिल रहे हैं ना मेरे को, तो उस केस में 4000 का फायदा दिखाएगा। आज यहाँ से सीधा स्क्वायर ऑफ करो और इसको जाने दो वापस जहाँ पर थी और ये 4000 आपका बुक हो गया। तो सर मतलब जैसे गिरता है तो हम अगर एग्जिट कर देते हैं, मतलब बाय कर देते हैं, तो हमें हमने जहाँ से लिया था वहाँ से वो 4 पॉइंट नीचे पकड़ेगा। परिमिता कैसे हो आप? हाँ जी सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये आप बताओ पहले गेल का कुछ हुआ? हाँ ये गेल का हो गया ना बहुत कुछ, ये देखिए गेल आ गया, आ गया लेवल पर, ये देखिए राइट राउंड एसएल डाला, हमने गेल का एसएल डाला था ना। हाँ सर आ गया गेल का एसएल, देखिए पकड़ लिया गेल का एसएल, अभी नीचे तक जाएगा सर जितना भी जाएगा। अब हमने इसका एसएल हमें लगाना पड़ेगा, इसका एसएल हमें लगाना पड़ेगा। देखिए अभी माइनस में चल रहा है 133.25 पे, कहीं पर मैंने इसे लिया था, मेरे को इसका पहले एसएल देख लेना चाहिए कि इसका एसएल मेरे को कितना लगाना चाहिए। मेरे को इसका एसएल होना चाहिए 134.7 अराउंड, तो मेरे को इसे 134.7 पे इसका एसएल लगा देना चाहिए। सर आपने 133 पे खरीदा है ना सर? हाँ 134.7 पे मैंने इसका एसएल लगा दिया, छोटा सा एसएल है देखिए, छोटा सा एसएल है ना, मैंने इसको रख लिया एसएल, ये देखिए जाने दीजिए अब यहां जाएगा ये। अब मैं इसका टारगेट भी लगा देता हूँ, मेरा टारगेट ये गैप दिख रहा है आपको नीचे? हाँ सर हमेशा कोशिश कीजिए कि जब टारगेट होता है तो टारगेट को गैप लीजिए, कोशिश ये करें। तो मेरा गैप कहां से शुरू होता है? मेरे को यहां पर एक चीज समझनी चाहिए कि ये मार्केट जो है ये नीचे आके इस गैप जो शुरू हो रहा है ये इसका सपोर्ट का काम कर सकता है, सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है? तो मेरे को अपना जो ये टारगेट लगाना चाहिए इससे थोड़ा सा ऊपर, मैं यहां लगा लेता हूं जितना भी आता है ये मेरा आ गया 130.8, ठीक है थोड़ा सा ऊपर। तो मैंने इसका जो टारगेट लगाया वो कितना लगाया 130.8 का, पता नहीं मेरे को आएगा नहीं आएगा, पर 130.8 का मेरा टारगेट ये बन गया, राइट लगा दिया मैंने टारगेट भी। आप देखो ऑर्डर भी लगा, स्टॉप लॉस भी लग चुका, ऑर्डर भी लग चुका, अब आप तसल्ली से बैठ जाओ।
भाई कट जाएगा स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरी पोजीशन में क्या हो रहा है, देखिए मेरे को 40 रुपए माइनस कर रहा है ना, वापस आते हैं अपनी बात पे, ये देखो मेरे को 40 रुपए माइनस कर रहा है ना। अब अगर ये मेरे को माइनस में दिखा दे 2001% दिखा दे, मेरे को 2 पॉइंट ऊपर चला गया, तो मेरा तो कुछ नहीं गया ना, मैं तो निकाल चुका इसको। हाँ सर, मेरा क्या गया, दिखाते रहे माइनस में, लेकिन अगर ये गिर जाए अभी और मेरे को यहां पर प्लस 2000 दिखा दे, तो मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं सीधा इसे स्क्वायर ऑफ करूंगा यहां से, ये वापस और ये 2000 रुपए बुक। आपको इसके लिए कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना अलग से, आपकी सीएनसी से, आपकी सीएनसी से, जैसे ये समझिए कि आप बैंक में इंटरेस्ट लेते हैं, आपका पैसा पड़ा है 10 लाख रुपए बैंक में, आपका कुछ नहीं हुआ, आपने कोई मेहनत नहीं की, बस डाल दिया एक बार और उसके बाद उसका इंटरेस्ट बैंक ने दिया और आपने ले लिया। बस वही चीज आप समझ लीजिए कि आपने सीएनसी उठा के रखी है, अब ये जहां पर भी अगर नीचे जाएगी तो आप इसका इंटरेस्ट लेंगे और किनारे वापस रख देंगे इसे उठा के। डन, ये देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है, जैसे सपोज ये मेरी सीएनसी पड़ी है, देखिए पीएनबी की 250 पड़ी है, सिंटेक्स की 1000 पड़ी है, ये अब अगर इनमें से एक दो पॉइंट भी ऊपर जाते हैं तो मैं इनके साथ में अपना इंट्राडे निकाल सकता हूं, मैं दोनों आराम से इसमें इंट्राडे निकाल के रख सकता हूं, नहीं समझे, और ये डेली का काम हो सकता है, डेली का। सर एक दफा सर रैलीज देख लीजिएगा। हाँ यस, मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी, रैली सर RALLIS। हाँ सर समझ आ गई सर, है जी इसी चीज पर, मतलब ये झोल है मार्केट का, मार्केट का झोल है ये बहुत बड़ा। नहीं सर इसको मार्केट इनसाइट बोलते हैं। ये है? अच्छा देखिए ये जो आपके पास है, ये मैं एक मिनट से ये हटा दूं जरा, वो सर मैंने 293 पे लिया था। हाँ जी ये असल में सही पोजीशन पे है, लेकिन इसका मैं छोटा सा चीज आपको बता दूं, मैं आपके काम की रहेगी वो, ठीक है, स्टॉक को एनालिसिस बस करते रहेंगे ना आपका बहुत काम करेगा। देखिए ये मेरे पास एक इसका सपोर्ट का काम करेगा, मैं ये हटा देता हूँ, एक यहां से लगाइए और ये इसका सपोर्ट है पूरा। अब यहां पर ये ऐसा कर सकता है, ये कि ऐसा कर सकता है, देखिए यहीं से वापस निकला है ऊपर अभी जी, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वापस एक बार ये यहां पर आ जाए। ओके, तो अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको तो इसे हट के दोबारा यहां से पकड़ लें। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि ये नीचे आ सकता है, अभी नीचे आ सकता है, ये सेलिंग की कैंडल बना रहा है अपनी एक, ठीक है, और इस कैंडल में ये अगर हमने कैंडल स्टिक करी है, तो अगर मैं इस पूरी कैंडल स्टिक को डिवाइड कर देता हूँ 5 पार्ट में, तो आप चेक कर लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 राइट, 1, 2, 3, 4 और 5 फिफ्थ पार्ट इसने हटा दिया अपना पूरा जी, ठीक है, उसके बाद देखिए आप इसको चेक कीजिए, फोर्थ पार्ट ये हटा रहा है जी, और जैसे ही थर्ड पार्ट से नीचे आ जाएगा इसका मतलब है प्रॉपर सेलिंग की कैंडल बन जाएगी। ओके, और अगर एक पार्ट रह गया तो आपको पता ही है इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा फिर तो जी जी, तो मतलब आपको करना क्या चाहिए, आप इस कैंडल के 5 पार्ट अगर करता हूं तो मतलब मेरे को यहां कहीं पर एक हट जाना चाहिए इस जगह पर। ओके, यहां पर आप हट जाएं और ये अगर दोबारा नीचे आएगा तो यहां कहीं से फिर से पकड़ लें सपोर्ट से इसे, ठीक है, अपना प्रॉफिट भी छोड़ा जाए। ठीक है सर, ठीक है, समझ है ना, वो चीज थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। ओके सर, सर ये जो आपने सप्लाई जोन या डिमांड जोन बनाया है इसका, ये आपने वो विक का नहीं बनाया, आपने किसी और तरीके से बनाया इसको? नहीं नहीं, ये असल में क्या किया मैंने, आप देखिए बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं, मैंने इस वीक का टॉप पॉइंट लिया, इस वीक का टॉप पॉइंट और इस वीक का टॉप पॉइंट ले लिया। ओके, इनके बीच में भी तो बनता है ना जोन तरीके से, तो अगर मैं बनाना चाहता तो मेरे पास जो तरीका था वो क्या बनता था, ये ईद होता था, देखिए बॉडी, ये वाली बॉडी और ये वाली रिस्क, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, मेरे को इंटरप्रिटेशन करने में इशू होगा। ओके, तो इसलिए मैंने ये जोन ले लिया। नहीं सर, तो ये भी बात नई चीज समझ आई ना सर, आज समझ आई है कि मैंने बोला नई ट्रेडिंग में कर्नल साहब इतना कुछ सीखने को मिलेगा जितना सारी जिंदगी में आदमी नहीं सीख पाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कितना 40 रुपए माइनस जा रहा है ना,
अगर मैं उसको नहीं हटाऊंगा, अगर मैं उसको हटा दूंगा तो वहां पर मेरे को इस समय मतलब सोचिए कि जितने भी पॉइंट ये ऊपर जाएंगे, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मैंने इसको हटा दिया अभी तो ये जो माइनस यहाँ से जा रहे हैं वो वहां पर मेरे को प्लस दिख रहे होंगे ना। हाँ सर, वहां तो प्लस में जाएगा मेरा, ये जाने दूंगा मैं आराम से। झोल है, छोटा सा झोल है, ये समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो ठीक समझ चीज आएगी, अच्छी चीज। ठीक है, नहीं सर इसको कल देखेंगे ना, कल क्या हुआ तो समझ आएगा। बिल्कुल, आप देखिए ऊपर जा रहा ना 12.2। हाँ, हाँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इसको ये देखिए एग्जिट कर दिया मैंने, कर दूं, हट गया मेरे यहाँ से। अब वहां पर मेरे को क्या दिखा रहा होगा, ये देखिए दिखा रहा है प्लस हो गए, ये तो वहीं गई ना जहां पर थी, ये तो कहीं और नहीं गई ना, 130 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा है ये, मेरा कुछ गया यहाँ पर बताइए, कुछ भी नहीं गया जहां पर, देखिए कुछ नहीं आया, देखिए आइडिया में 60 रुपए माइनस दिखा रहा है, मेरे नहीं है। अब बताइए, अच्छा ऊपर चलेगी तो आपने दोबारा वो कर दिया इसको, और क्या, अगर ये नीचे आता, नीचे आता तो भी मैं करता तो मेरे को फायदा देता, नीचे भी है ये, एक बार हल्का सा आप चेक करके देखिए, छोटी सी चीज है, अजीब सी चीज पर है कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए चल रहा है, चलने दीजिए इसको, ये मैंने होल्डिंग डाल के रखी हुई है, बस ये थोड़ी सॉरी होल्डिंग ज्यादा हो गई थोड़ी सी, मैंने आपको बोला था 25 करने के लिए, 25 में कोई मेरे साथ आया नहीं तो मैंने अपनी होल्डिंग रख ली थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ और कोई स्टॉक जो कि हमारे सपोर्ट या पावर ग्रिड, पावर ग्रिड देख लीजिएगा, पावर ग्रिड का है सर जी, पावर ग्रिड देख लेते, पावर ग्रिड पीएफसी, ये अरे मेरे को याद आ गया, टाटा स्टील, टाटा स्टील था कल जी सर, टाटा स्टील था सर, टाटा स्टील था ना कल सर। एक एक, एक चीज बताइए, जैसे देख रहे हैं तो एक मतलब कि एक मैंने मान लिया बाई किया, मैंने एग्जिट कर लिया, ठीक है, और वो एक जगह पे एग्जिट कर लिया और वो स्टॉक और भी ऊपर जा रहा है तो मेरे को पोजीशन में अब नेगेटिव दिखा रहा है कि मेरा लॉस हुआ है इतना, छोड़ दो तो। अच्छा, अगर मैं अगर मान लिया वापस मैं पोजीशन उसको एग्जिट करता हूँ वहां से तो क्या ओरिजिनल पोजीशन में आएगी कि कैसे होगी वो? ओरिजिनल ओरिजिनल में जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट ऐड करके दिखाएगा, ये तो देखो ओरिजिनल में वहीं चला गया ना 12.10 पे। इस थोड़ा बहुत अमाउंट आपका कटता है इसमें, पहले बता दूं मैं, मेरे ख्याल से शायद 50 पैसे या 1 रुपए ऐसा कुछ कटता है पर शेयर, नहीं पर शेयर नहीं, टोटल का कुछ ऐसा कटता है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा आपके कॉन्टेक्ट फोन में जो भी क्या है। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी, वो जो हम स्क्वायर ऑफ करते हैं जैसे कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, हमने एग्जिट कर दिया, देखा शेयर और ऊपर भाग रही है, तब भी हम स्क्वायर नहीं, नहीं कोशिश ये करिए कि जब आपका पॉजिटिव चल रहा हो ना ये, हाँ, तब आप इसे स्क्वायर ऑफ करें। ओके, जब नेगेटिव में चल रहा है तो नहीं करें, नेगेटिव में चल रहा है तो आप मत करें सर, पर कंडीशन एक ही है कि इट शुड कम डाउन दी सेम डे, यस सेम डे अगर आएगा तो, हाँ नहीं तो नहीं होगा, अभी तो इंट्राडे कैलकुलेट होगा, नहीं तो पोजीशन जाएगा वापस। हाँ ठीक है, अब देखिए पावर ग्रिड एक ऐसी जगह पे आ रहा है, आपको भी पता है पावर ग्रिड एक ऐसी जगह पे आ रहा है जो इसका एक ट्रेंड लाइन बनती है, राइट, ये देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम, मतलब इसके आसपास से मेरे को इसे शॉर्ट हो जाना चाहिए पावर ग्रिड को। अब ये कौन सी पोजीशन आती है एक बार देख लेते हैं, ये अंदाजन यहां कहीं आएगा तो ये 207 है जी अराउंड, तो 207 के आसपास ये एक शॉर्ट ले सकता है, ले सकता है, हमें नहीं पता लेगा नहीं लेगा, लेकिन एक शॉर्ट ले सकता है। ओके, तो मतलब मैं घंटे भर को इसे देखता हूँ, तो देखिए अभी इसने क्या किया, ये कोई जगह है और अब मैं इसके पीवोट भी लगा लेता हूँ, मैं इसके पीवोट पे भी काम करता हूँ थोड़ा सा, मैंने देखा पीवोट, ये देखिए इस पीवोट से भी ऊपर जा रहा है जी, और अगर मैं दिन का पीवोट देखता हूँ इसका, दिन का पीवोट तो यहाँ आ रहा है जी, मतलब इसके आसपास से ये एक रिवर्सल ले भी सकता है। ओके, अब यहाँ पर इसके दो आ रहे हैं, देखिए आ रहे हैं दो जी, अब मैं इसका एक काम और भी कर देता हूँ, देखिए गूगल खोले और इसकी ऑप्शन चेन चले जाएं,
चलें जरा हम उसको भी चेक कर लें अपना, देख लेते हैं क्या जा रहा है। और पावर ग्रिड इस समय चल रहा है 201.3, 201 लगा लीजिए, ये आ रहा है 202। कहां पर आ रहा है इसका 205 अंदाजन? 205 जी लगभग जी, या तो 205 या 210। ओके राइट, तो दोनों में से कौन सा वाला लगाया जाए? यहां से स्क्वायर ऑफ हुई है देखिए पोजीशंस, और नीचे तक फिर नहीं है, या तो ये 205 या 210। ओके दो जगह से शॉर्ट ले सकता है राइट, मतलब अगर चलिए मैं इसको लगा के देख लेता हूँ, ये मैंने शॉर्ट डाल के छोड़ा 205 से राइट राइट सर, एसएल ये मैंने 205 से डाला राइट, ये चला गया, एसएल डाल दिया, ये एसएल 205 कितना था ये पावर ग्रिड, अच्छा 205 इसका वो ही नहीं है, लिमिट ही नहीं होगी ठीक है, अभी एक मिनट शायद आज के लिए लिमिट ही नहीं होगी पावर ग्रिड की 205 पे, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, लिमिट चेक कर लीजिए, लिमिट पे नहीं जा रहा होगा, ये 10 और 13 पे जा रखा है, और लोअर सर्किट अपर सर्किट 200 ये तो ठीक है 216.75 है, कर सकते थे आप इसे। लास्ट ट्रेडेड ऊपर होना चाहिए, चला गया था, मेरी गलती है, मेरे को लिमिट चाहिए था इसमें, लिमिट ऑर्डर लगाइए सर, लिमिट ऑर्डर लगेगा तब जाके लगेगा, मेरी गलती थी वो, तो 205 पे आई है ये, मैंने लिमिट डाले और 25 मैंने डाल दिए राइट इंट्राडे के लिए, और एक अगला मैंने कौन सा डाला है इसकी सेलिंग भी दोबारा से मैंने 25 डाल दिए और 210 पे राइट, कोई डाउट? और यहां पर मैं थोड़े से और डालूंगा इसको, मैं इस जगह पर 50 डालूंगा डबल करके, मैंने दो ऑर्डर यहां पर डाल चुका हूं, देखिए देख लेते हैं मेरे दो ऑर्डर लग भी चुके कि नहीं लग चुके, ये देखिए पावर ग्रेड के दो मेरे ऑर्डर लग चुके हैं, और अब मैं इसे छोड़ दे रहा हूं, कोई इशू नहीं है, मेरे को ऑप्शन गेन के हिसाब से बोल रहा है कि यहीं कहीं से सेल आएगा ठीक है, और मेरे को वैसे भी बता रहा है कि यहीं कहीं से सेल आ सकता है दोनों पार्ट में मेरे, ये भी अंदाजन आपका 208-209 पड़ रहा है, यहीं कहीं से सेलिंग जाएगी इसकी ठीक है, और मैं इसको थोड़ा और इधर कर देता हूं, 208 पे कर देते हैं इसको, 210 पे भी नहीं करते, जहां मैंने 210 कर रखा है इसको मॉडिफाई करके 208 कर दे, ठीक है ट्रेंड लाइन के आसपास से गुजरेगा, ये मैंने दोनों कर दिए। यस एक बार टाटा स्टील भी देख लेते हैं। हाँ सर वो तो नीचे जाने को तैयारी नहीं है सर किसी हालत में। नहीं नहीं पर एक बार बताओ ना हमने, एक मिनट पहले मैं इसको लगा लूं तब मैं बात करता हूं इसकी, जरा आ जाने दीजिए पहले इसे तरीके से, फिर हम जरा बात करते हैं, ये देखिए अब हम इसको नीचे एकदम से नहीं जाता, हम असल में क्या सोचते हैं कि आपका ट्रेंड लाइन पे आया अभी का भी स्टॉक नीचे भाग जाएगा, हमारा ये सोचना होता है, अरे भाई आपकी घर का कोई माजरा थोड़ा है ये, क्यों आपका पैट थोड़े ना मार्केट की आपके हिसाब से चलेगा, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा, क्यों करना सर? बिल्कुल ठीक बोला सर, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल मार के ऊपर गया है, कितनी बड़ी बड़ी राइट, तो उतनी जल्दी नीचे आएगा सर, अभी उतनी तेजी से नहीं, देखिए कोई इसमें बीच में रिलैक्सेशन नहीं लिया है, रिलैक्स नहीं करा जरा सा भी, इसका मतलब यहां कहीं से ये एक शॉट ले सकता है किसी भी टाइम पर, ये बस अपनी जगह पे घूम रहा है, अब आपके ये समझिए कि अगर मैं इसको यहां से शॉर्ट करता, एक मिनट मैं यहां से इसकी फिबोनैची देख लूं एक बार, तो फिबोनैची मेरे को क्या बोलेगी चेक कीजिए, बिल्कुल ये हटा दीजिए, ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका ऊपर ही ऊपर जाएगा, अरे इसको नीचे आना है तो नीचे आएगा ना, अभी नहीं आएगा थोड़ी देर में आएगा, अब मैं इसको चेक कर रहा हूं कि मेरे यस कौन से लेवल पर आइए आप बताइए जरा, 5 पे चले, ये देखिए राइट और राउंड, इसको कौन से लेवल पे शॉर्ट होना चाहिए तरीके से, 61 पे या 78 पे राइट, 78 से दोनों में से एक से होगा, दोनों में से एक से शॉर्ट होना चाहिए ना इसे, ये देखिए जा रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है, अबे 61 पे पहुंच गया, आप वेट कीजिए कहां से शॉर्ट होगा, जाना इसको शॉर्ट है कहां से शॉर्ट होगा वो आप देखिए, इसको इसके बायर सेलर सब आराम से तसल्ली से चेक कीजिए, ये देखिए 7 और 6 अभी बायर ज्यादा है राइट,
अभी आपको सेल नहीं करना चाहिए, देखिए क्या बोलते हैं। अब ये ऐसी किसी जगह से 61 के आसपास से अगर इसे एंड वेव बनानी है तो यहीं से शॉर्ट होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? हेलो, यहीं से इसे शॉर्ट में चले जाना चाहिए अगर एंड वेव बनानी है तो। इसे ये देखिए, अब क्या इसके सेलर बढ़ने शुरू हुए? बढ़ने शुरू हो गए। अब क्या मैं ठीक है, मैं इसको देखिए 25 क्वांटिटी मैंने शॉर्ट कर दिया, से मैंने कर दिया, देखिए गया भी नहीं, कुछ भी नहीं गया अभी। आपके सामने देखिए शॉर्ट करके बैठा हूं, ऊपर जाएगा नुकसान देगा, ये बिल्कुल दे सकता है। आप इसको मैंने 725 और ये आ गया आपका 730, देखिए 730 भी नहीं, मैं और ऊपर लगा रहा हूं 732 पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा रहा हूं। देखिए आपके सामने स्टॉप लॉस कहां पर मेरा है, ये देखिए टाटा स्टील की नुकसान दे रहा है मेरे को। मैंने एग्जिट किया और एसएल लगा दिया 732 का। मैं बोल रहा हूं ना एसएल थोड़ा बड़ा होना चाहिए आपका, कट जाएगा कट जाएगा, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए मेरे को गेल ने नुकसान दे रखा है, पर वो नुकसान मेरा लगभग पूरा हो रखा है ना, बताए ये आइडिया का मेरा नुकसान है नहीं, चलने दीजिए इसको। टाटा स्टील को देखिए, मेरी एक पोजीशन से वापस आ रहा है और ये पोजीशन मेरी सही है, ये तो बाद में बनी ना, मैंने तो पहले ही शॉर्ट कर दिया था इसको। अब मेरा शॉर्ट कहां तक बन सकता है, ये शॉर्ट नीचे तक आ सकता है 38 तक, और ये कहां तक है, ये मेरा आता है अंदाजन 21 पर, 21.8 कम से कम यहां नीचे या यहां तक मैं इसका ले लेता हूं 719.5। मतलब मेरा टारगेट कितना होना चाहिए इसका, 719.5, देखिए 719.5 ये मेरा टारगेट है इसका, ये मैंने लिमिट लगा के छोड़ दिया। बताइए आपके सामने चल रहा है बिल्कुल, ये भाई ठीक है नुकसान देगा, दे दे कितना देगा, देख के देख ले नुकसान जितना दे रहा है भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, हम ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, फिर से एक शॉर्ट मार देंगे इसको तरीके से, चलने दो, क्या बोलते हैं, क्यों करना सर, रीजन क्या है इसको नीचे आना है, इसके नीचे आना है, मजबूरी है इसका नीचे आना, आ गया सर नीचे, आपके सामने ही चला रहा हूं मैं, ऐसा भी नहीं, क्यों चल रहा है, देखिए नीचे इसको आना है नीचे, तो क्यों मना करेगा ये आपको, देखिए क्या मेरे को नुकसान दे रहा है, बताइए अभी हटाइए अपना आराम से, टाटा स्टील ये मैंने हटा दिए दोनों, ये देखिए कैंसिल कर दिए दो ऑर्डर, ये रहे, अब बताइए नुकसान दे दिया उसने मार्केट को, मार्केट की तरह से समझते हैं ना, ये देखिए आगे नीचे फायदे देता और भी, क्यों कंजल साहब देता, बिल्कुल मतलब कहां तो टाटा स्टील ऊपर जा रहा है भागा हुआ, और कहां हम उसे शॉर्ट कर रहे हैं, कहीं से कोई लेना देना नहीं है, बताइए कोई लेना देना है इसका, आप ही बताएं, लग रहा आपको कोई लेना देना इसका, कि भाई लेना देना है चलो हम कर ले इसे, कुछ भी नहीं है। देखिए हम क्यों शॉर्ट कर रहे हैं, क्यों शॉर्ट कर रहे हैं कि ये जगह है इसकी, और इसका सपोर्ट कहां पर बनेगा, इसका सपोर्ट क्यों मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये इसका सपोर्ट है। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा उसके बाद ये नीचे चलना शुरू हो जाएगा, राइट राउंड? तो देखिए हमारा लॉस भी उसने कवर कर दिया, काफी कुछ कवर कर दिया, ये तो है नहीं अभी, देखिए चलते हैं और आगे, और मार्केट में देखते हैं, मार्केट में देखने की कोशिश करते हैं। टाटा स्टील हमने ऊपर कितने में लगाए हुए, हमने कर दिया पावर ग्रेड, अच्छा पावर ग्रेड लगाया था हमने, ये देखिए आ गया पावर ग्रेड नीचे ही आ गया वापस, नीचे ही आ गया वापस मार्क, ये माइक किसी का चल रहा है, माइक बंद करें, माइक 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 किसी का चल रहा है, या अब देखिए चलते हैं और किसी स्टॉक पे, मैं आपको रैंडम बड़े आराम आराम से स्टॉक ले लेके दिखा रहा हूँ कि देखो आपका फायदा नुकसान कैसा कैसा होता है, ऑर्डर में चेक कर लीजिए, पावर ग्रेड लगा पड़ा है, गेल आपका लगा पड़ा है, अभी इतनी देर से हमारा स्टॉप लॉस कटा नहीं है, गेल का भी स्टॉप लॉस कटा नहीं है, देखिए यहीं पर पड़ा हुआ है, गेल को भी एक बार चेक कर लेते हैं, गेल कर क्या रहा है, हमने करा तो है पर हमने इसको ठीक से अभी और ऑब्जर्व नहीं किया, ये मेरा गेल है, इतनी देर से ये आपका गया नहीं है, और ये मेरी एक पोजिशन है, आप गेल की पोजीशन चेक कीजिए, ये मेरी एक पोजीशन है जहां से इसने
अप डाउन कर सकता है। यहां से अगर वापस गया तो इसका नीचे तक का एक लो ये बन सकता है ये वाला, और मैं देखने की कोशिश करता हूं कि अभी इस समय कर क्या रहा है। ये देखिए ये हौले हौले धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और इसको इसका टारगेट क्या है, जब भी आएगा ये नीचे इसका टारगेट ये वाला है गैप कवर, जब भी आएगा। हमने इसको छोड़ के रख दिया है। अब देखो हम अच्छा करना था, आपको लग रहा है मेरी शक्ल पे कि मैं परेशान होकर कोई ट्रेड कर रहा हूं? सर अभी शक्ल देखनी पड़ेगी, वैसे तो लग नहीं रहा आवाज से। देखिए मार्केट को आराम से जज करते हैं तो आराम से पैसा देगा। सर इसमें वीडियो कॉल का ऑप्शन होता है क्या आपके? तो इसमें एक दिन वीडियो कॉल करते हैं, देख ले एक दूसरे को। बिल्कुल देख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं, मगर मैं अपनी शक्ल दिखाता ही नहीं। पर्दे में रहते हैं आप? ये मेरा नहीं भाई, आपको मुंह दिखाई देनी पड़ जाएगी। चलो ऐसे कईयों का मौन व्रत होता है ना, मेरा शक्ल व्रत है सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुंह दिखाई देनी पड़ जाएगी। कोई इशू नहीं है, किस दिन कर लेंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है वो तो, है ना। चलिए अब चेक करते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा लेके जाऊं, ठीक है? अब मैंने आपको ये बोला था ऑप्शन के बारे में भी, जो ऑप्शन करता है मैंने उसको भी बोला था ये चीज कि आउट ऑफ द मनी आप शॉर्ट करके छोड़ दें। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी को भी देख लेते हैं हम। निफ्टी कहां गया आज? हमने कुछ नहीं देखा हुआ, आज हमने बगैर निफ्टी को देखे हुए शॉर्ट किया। ये देखिए आज निफ्टी एक बाय साइड पर है, आप इसका चेक कीजिए, ये इसने एक हैमर बना के छोड़ा हुआ है, राइट? हैमर बनाया, और हैमर भी इंडिपेंडेंट हैमर चल रहा है इस समय। तो अभी आपके पास क्या हुआ, अभी मार्केट जा रहा है ऊपर, और मार्केट कहां तक जा सकता है ध्यान दीजिए। अभी इसके आप लगाइए यहां पर, देखिए चल रहा है ऊपर मार्केट यहां पर। अब इसके साथ में आप एक चीज और जरूर लगा लें, क्योंकि वो आप वही आपको दिक्कत करेगी, उसका नाम है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक आपको दिक्कत करेगा, इसको जरा बड़ा करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि निफ्टी बैंक अपने हाई को तोड़ रहा होगा अंदाजन, जहां तक अगर मैं सही हूं तो। ये देखिए राइट और रॉन्ग, निफ्टी अपने लास्ट हाई को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट हाई, इसके बाद इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाता है, और अगर इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल है। एक लंबा आपका 34,000-35,000 का ये आपको एक आप या 40,000 का आपको अप, मतलब जो कि कभी देखा भी नहीं होगा, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अगर इसको गिरना है तो यहीं से इसे वापस चले जाना होगा, बस लास्ट टू लास्ट ऑप्शन का यही है गिरने का। इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, मतलब जो सेलर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाने वाली है, तो इसको यहीं से वापस जाना पड़ेगा। ये जगह आप चेक कर लीजिए, अगर इसको जाना है तो यहीं से वापस जाएगा। ये देखिए घंटे भर में चेक कर लीजिए अगर। हाँ जी सर, ये मैंने कितने पिछले हफ्ते के दोनों पोजीशन मार्क कर रखे हैं। हाँ जी, जो आपने लास्ट टाइम बताया था मैं उसी पे चल रहा हूँ, और ये बिल्कुल उसी जगह पे आ रहा है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा या गिर जाएगा। अब दो चीजें, या तो ब्रेकआउट हो जाना इसने और गिरेगा तो एक लंबा डाउन लेके जाएगा, ये बहुत लंबा डाउन लेके जाएगा, और अगर यहाँ से ऊपर चला गया तो फिर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर जाएगा, और उसके बाद इसकी बाई बाय देखने को मिलेगी, एक लंबी बाय। तो हमें यहीं पर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, और इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, अगर सपोज 14 तारीख का लेते हैं तो मैं देखता हूं कि कहां पर मार्केट नहीं जा सकता, देखते हैं कहां पर मार्केट को जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। इसको पिवोट लगा लेते हैं। अगर आप दिन के पिवोट की बात करते हैं तो देखिए दिन के पिवोट पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, राइट? मैं एक बार को इसे हटा देता हूं। ये देखिए दिन के पिवोट पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी, देख रहे हैं इस जगह पर। इसका मतलब यहां पर अगर सपोर्ट ले गया तो अगला टारगेट इसका ये होगा। मैं इसको मंथ पे बात करता हूं और थोड़ा सा बड़ा बात करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि चलिए ऊपर लेके जाते हैं इसे, 32,188 है और ये 34 इतना, ये देखिए अगला टारगेट इसका ये है 34,342 का सीधा सीधा, और ये बिल्कुल मार्जिन पे बैठा हुआ है जाके, बिल्कुल मार्जिन पे, और यहां से इसे मेरे ख्याल से आना चाहिए एक बार इसे नीचे।
एक दिन इसे मारनी चाहिए, ठीक है। तो एक रिस्क लिया जा सकता है, ये देखिए रिस्क एक लिया जा सकता है यहाँ से, एक शॉर्ट करके इसको छोड़ देते हैं, कहाँ गया, अरे मैं निफ्टी बैंक को शॉर्ट कर रहा हूँ। यहां पर एक सेल करके मैंने छोड़ दिया इसे, देखिए राइट। अब नुकसान फायदा छोड़ देते हैं एक बार को, भाई कितना जाएगा, मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर देख लेता हूं, मेरे को स्टॉप लॉस अपना चेक कर लेना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस कितना जा रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हद से कितना होना चाहिए, ऊपर चले जाए भले मेरे को नुकसान दे जाएगी, मेरा अंदाजन 260 और 289 300 के आसपास होना चाहिए, 300 से ऊपर, 300 से ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी का, ठीक है। एग्जिट कर दीजिए इसे और यहां पर 320 लगा लेते हैं, 320 के आसपास मेरा एक स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। कटेगा कट जाएगा उसको, एक हम यहां पर एसएल मैंने छोड़ दिया लेके, ये देखिए अब इसे चलने दीजिए तसल्ली से, बस कटेगा कट जाएगा, अगर यहां से नीचे आना है तो एक लंबा डाउन आपको देता हुआ आएगा ये, बस एक मैंने रिस्क लेके छोड़ दिया बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी चीज के, और बैंक निफ्टी का रिस्क लिया मैंने, छोटे मोटे स्टॉक का भी नहीं कि 20-25 स्टॉक का, मैंने इसको बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का रिस्क। सर यहाँ इसके बायर सेलर देखने चाहिए, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं, देख सकते हैं बायर सेलर देख लीजिए आप, इसके बायर सेलर क्या बोल रहे हैं, अभी बढ़े हुए होंगे देखिए लगभग। सर ऑप्शन चेन भी देख लीजिए एक बार, ऑप्शन चेन भी देख लीजिए इसकी, ठीक है कोई इशू नहीं है, ये कटता है देखिए, आप ऐसी जगह पर आपका एक वो रिस्क लेना बनता है, आराम से आप रिस्क लेके जा सकते हैं। अगर यहां से नीचे आएगा तो इसका पहला टारगेट क्या होना चाहिए बताएं मेरे को, पहला टारगेट ये होना चाहिए, ये वाला 32041, ये इसका पहला टारगेट मेरे को मिलना चाहिए right। अगर ये नीचे आना शुरू होता है तो मतलब मेरे को इसका जो टारगेट है यहां पर लगा के छोड़ना चाहिए, यहां पर अंदाजन 100 पॉइंट नीचे मेरा टारगेट होना चाहिए, और मेरा अंदाजन 183 पे चल रहा है, 32183 पे चल रहा है अंदाजन, और मेरे पास अंदाजन 40-50 पॉइंट का ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ, मतलब 1200-1500 का स्टॉप लॉस मेरा रहेगा, ये कट सकता है उतना आराम से, लेकिन एक डाउन देगा, मैं इसका टारगेट नहीं लगा रहा हूं अभी, टारगेट मैं छोड़ रहा हूं इसका, क्योंकि अगर ये यहां से नीचे आने लगा तो एक लंबा डाउन देगा, तो इसमें टारगेट लगा के इसको फायदा नहीं है, स्टॉप लॉस कट जाने दीजिए 1200 का, कोई फर्क नहीं कट जाता है तो, ठीक है उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है, हमने कमाई भी बहुत है तो उसको हम दे भी सकते हैं आराम से। और इसकी ऑप्शन चेन अगर मैं देखता हूं बैंक निफ्टी की, देख लेते हैं इसकी ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, और आप मेरे को देख के बताइए इसका रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है, अभी कितना चल रहा है निफ्टी बैंक, ये चल रहा है आपका 32190 लगा लीजिए, 32190 ये लगा लीजिए यहां पर, कहां पर आ रहा है ये 32500 पे आ रहा है, देखिए बहुत अच्छा देख रहे हैं, मतलब अगर हो सकता है 32500 से ऊपर तो मार्केट नहीं जाने वाला अभी, तो हम अगर ये नीचे आएगा तो हम इसको निकल जाएंगे, 32 अभी चल रहा है 32300 के आसपास ऊपर गया है, 200 पॉइंट और भी जा सकता है ऊपर, लेकिन हम देख रहे हैं अभी ये जोन है हमारा, अगर इसको वापस आना है तो इसी जोन से वापस आना है इसको उठ के, इसलिए ऐसी जगह रिस्क लेके कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, आप आराम से रिस्क लेके तसल्ली से बैठे रहे और मार्केट को जाने दे आराम से, हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम मार्केट को जाने नहीं देते, बस हम सोचते हैं आज हमारा ये मैंने सेल किया तो बिल्कुल यहीं से यहीं निकल जाना चाहिए, इससे ऊपर एक सेकंड भी मार्केट नहीं जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, मार्केट तो अपनी मूव करेगा, और अभी ऐसा नहीं कि आपने बोला और अभी कभी गिर जाएगा, टाइम लेगा ये नीचे गिरने में भी टाइम लेगा, पूरा दिन लेगा नीचे गिरने में, तब जाके आएगा ये। इसको अगर मैं बात करता हूं देखिए, मैं दोनों को देखने की कोशिश करता हूं इंडाइसेस में, ये मैंने इंडाइसेस में देखा निफ्टी 50 और दोबारा इंडाइसेस में मैंने इसको देखा और मैंने देखा निफ्टी बैंक, देखिए दोनों के दोनों कर क्या रहे, जरूरी नहीं है कि वे प्रॉफिट ही होगा, आपका लॉस भी हो सकता है, उसमें क्या इश्यू है, दोनों चीज चेक करिए देखिए, अभी ये जा रहा है ऊपर, और इसको अगर मैं एक घंटे में देखता हूं तो ये आपका कहां जा रहा है, इसको भी चेक कर लीजिए, आने दीजिए इसको भी, चले दीजिए ये देखिए,
ये अभी एक ऐसी जगह पे बैठा है, ये एक ऐसी जगह पे बैठा है जहां से रिजेक्शन लेके आया नीचे, और इसको अगर मैं बोलता हूं तो ये अभी टॉप पे बैठा हुआ है। मतलब इस समय क्या हुआ, वीक कौन सा, इस समय वीक है बैंक निफ्टी और स्ट्रांग है निफ्टी। इसका मतलब जब तक मेरे पास ये मेरे को नीचे नहीं आएगा, ये जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा, राइट। इसको नीचे आना चाहिए, अगर ये जब तक नीचे नहीं निकलेगा तब तक ये बैंक निफ्टी को नीचे नहीं आने देगा, राइट रॉन्ग। और अगर ये अभी ये चलना शुरू हो जाता है नीचे, ये नीचे चलना शुरू हो जाए तो ये अपना धड़ाम धड़ाम करके कम से कम यहां तक गिर जाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है अभी, तो अभी इसको देखते हैं कि कहां तक नीचे आता है। भाई नुकसान फायदा दे रहा होगा, देख सकते हैं ये देख के। सर यूएसडी तो डाउन जा रहा है, सर यूएसडी डाउन जा रहा है, अभी देखते हैं कहां तक जाता है। ये नीचे तक यहां पर आके सपोर्ट लेके तब ऊपर जा सकता है। मैंने तो केवल प्रोबेबिलिटी के बेस पर इसे सेल कर दिया है, केवल प्रोबेबिलिटी, बाकी कुछ भी नहीं, कोई दूसरा रीजन नहीं है, केवल प्रोबेबिलिटी के बेस पर मैंने इसे शॉर्ट करके छोड़ दिया। कोई इंडिकेटर नहीं है, देखिए मेरी स्क्रीन पर कोई इंडिकेटर लगा हुआ नहीं है, इस समय नीचे कुछ भी नहीं है। ऊपर जा सकता है, मेरा स्टॉप लॉस काट सकता है, मैं खुद ही बोलता हूं मेरा स्टॉप लॉस काट देगा कभी भी, लेकिन फिर भी एक प्रोबेबिलिटी है यहां पर कि इस जगह पर ये आपका एक जगह से नीचे आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी देर में ये अपना एक इस जगह से कोई नई कैंडल बना के लॉस ले जाए। वेट करते हैं, वेट करिए आराम से तसल्ली से, राइट रॉन्ग, ठीक है। तो आराम से करते रहिए, इसको आराम से करते रहिए। आज की क्लास में यहीं पर ही बंद करता हूं, फिर अभी मंडे को फिर मिलेंगे दोबारा से, राइट राइट सर, चले राइट सर, थैंक यू सर, आराम से तसल्ली से करते हैं। ओके सर, हैव अ गुड डे।